जावित्री, जायफल, अखी काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची, काजू, अखा धनिया, बेल लीव्स, दालचीनी, लौंग और नमक। तो अब हम चिकन मसाला पाउडर बनाना शुरू करेंगे। गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे, गैस का फ्लेम स्लो कर लेंगे। 6 बेल लीव्स डालेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे 4 इंच का, 12 काजू डालेंगे, 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 10 हरी इलायची डालेंगे, 15 लौंग डालेंगे, 1 टेबलस्पून अखी काली मिर्च डालेंगे, 4 टेबलस्पून धनिया डालेंगे, 2 टेबलस्पून जीरा डालेंगे, 2 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे, 1 जायफल डालेंगे, 3 टुकड़े जावित्री डालेंगे, 20 कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। सारे मसालों को मीडियम फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले में से अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस बंद करेंगे और मसालों को ठंडा होने देंगे। हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम इसे जार में डालेंगे। एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मसाला पीस के बिल्कुल तैयार है। तो तैयार है हमारा चिकन मसाला पाउडर। आप इसे बनाकर एयरटाइट कंटेनर में भरकर 2 महीनों तक यूज कर सकते हैं। ये जल्दी खराब नहीं होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर,